मऊ नगर पालिका का विस्तार किया जा रहा है और विजय राजभर बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से मैंने मांग करवा करके करवा रहा हूं ताकि मुस्लिम कुर्सी पर न बैठे नगर पालिका, क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ गई है? और विजय राजभर क्या यहाँ के वो हैं सांसद हैं मुख्यमंत्री हैं कि वो करवा देंगे? यह तो नगर पालिका का एक सिस्टम है, विस्तार करना वो नगर पालिका का काम होता है और किसी से कोई कह करके थोड़ो करवाता है वो योगी। और जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम न बैठे, तो महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज कभी भी हिंदू मुस्लिम ये कभी देख के काम नहीं करते हैं, वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये सब महाराज जी की छवि बिगाड़ने पर लगे हैं, हो सकता है फिर कहीं समाजवादी पार्टी में न चले जाएं ये लोग, इसीलिए ये लोग छवि बिगाड़ते हैं महाराज जी। विजय राजभर कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के आदमी, इसीलिए उनको हटाना है। मुख्तार अंसारी के आदमी तो विजय राजभर भी रहे हैं, पूछिए कैसे, जब बसपा में रहे मुख्तार अंसारी जब बसपा में रहे तो विजय राजभर उनके गाड़ी में बैठ के घूमते थे, आपको पता होना चाहिए। तो विजय राजभर भी तो उन्हीं के आदमी हुए। देखिए मुख्तार का आदमी यहाँ कोई नहीं है और सभी लोग हैं, क्योंकि वो विधायक बनता है तो इन्हीं लोगों के माध्यम से ही बनता है, नहीं तो अशोक भैया इस बारी चुनाव जीत गए होते। यह विजय राजभर और वो बड़े नेताओं, जिला के बड़े नेताओं की चाल थी कि इनको जो है अशोक सिंह को चुनाव सब लोग जान करके हरवा दिए, और क्या। तो ये जो हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं विजय राजभर, क्या कहें? ये घटिया राजनीति उसकी है। ऐसे राजनीति ऐसे लोगों से महाराज जी की छवि बिगड़ रही है। विजय राजभर मांग कर रहे नगर पालिका विस्तार, राजभर परेशान है, विजय राजभर पूछ नहीं रहे इनको। तो वो कोई नेता है? कोई नेता तो है नहीं। राजभर परेशान हो, कोई भी परेशान हो, उससे उनको उनके परेशानी से किसी के नहीं मतलब, उनको तो अपने सिस्टम से मतलब है। अपना धन उपार्जन कर रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, बस उनको उनसे मतलब, राजभरों से उनको क्या मतलब है।